येलो 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 जी सनम हम आ गए आज जुपिटर लेके। अब थोड़ा थोड़ा वॉच टाइम तुम भी देके जाना, लाइक इस वीडियो को दबा के मार के जाना, अच्छा लगेगा थोड़ा मुझे, हाँ थोड़ा मुझे येलो येलो। आई होप यू लाइक माई कंपोजिशन राइट देयर, इट वॉज ऑल ओरिजिनल, ओके, नॉट किसी कहीं से ट्यून मैंने चुराया नहीं है, इफ इट साउंड्स फेमिलियर। ओके, सो टुडेज वीडियो आई एम मेकिंग इट ऑन द डिमांड। सो रिसेंटली लास्ट टाइम जब मैंने सांगली का वीडियो डाला था तो आई गॉट कमेंट्स अबाउट फ्रॉम द मेडिकल स्टूडेंट्स कि आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिरज दिखाओ या भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज दिखाओ, कैंपस दिखाओ एंड दिस एंड दैट। तो उसी के लिए मैं एक्चुअली जा रहा हूँ, तो उसी बहाने मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट मिरज का टूर भी दे दूंगा एंड आई विल लेट यू नो कि कॉलेज कहाँ है, हॉस्टल्स कहाँ हैं, खाने पीने के प्लेसेस कहाँ हैं इन मिरज टाउन। मैं वीडियो भारती से स्टार्ट करूँगा, भारतीय विद्यापीठ से। सो आई जस्ट गो देयर एंड देन आई स्टार्ट द वीडियो। ये बीच वाला पार्ट मैं हमेशा की तरह स्किप करने वाला हूँ, तो मिलता हूँ मैं डायरेक्टली आपको भारती की तरफ। ओके ऑलराइट, तो मैं भारतीय विद्यापीठ पहुंच चुका हूं। दिस इज़ द कॉलेज डीम्ड टू बी अ यूनिवर्सिटी। अंदर हॉस्पिटल है, अंदर कॉलेज कैंपस भी है एंड हॉस्टल्स भी है। मैं अंदर बाद में जाता हूं, पहले ये बताता हूं कि आपके टाइम पास करने के स्पॉट्स कौन से होने वाले। तो ये रहा कॉलेज और यहां से ऐसे आके ऐसे जाऊंगा। तो उस दिन सांगली वाले वीडियो में जो बताया था मैंने कि यहां पे डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट एंड ऑल द हैंगआउट प्लेसेस आर इफ़ यू गो स्ट्रेट वहीं पे, तो मैंने पहले वो दिखाता हूँ और ऐसा घूम के फिर अंदर घुसता हूँ। ठीक है, अभी अंदर घुसना भी अलाउड है कि नहीं वो भी नहीं मेरे को मालूम, लेकिन देखते हैं अभी। तो ये है वो कॉलेज और मैं आपको रेफरेंस पॉइंट बताता जाऊँगा। तो हम लोग ये मिरज सांगली रोड है, यहाँ पे सीधे जाएंगे तो सांगली एंड सांगली से मिरज जाने के लिए नीचे। तो मैं ऐसे जाऊँगा और सब आपको मोस्टली चीज़ें बता दूँगा। ठीक है, तो पहले आगे जाते हैं, मैं आपको हैंग आउट करने के स्पॉट्स फिर से एक बार बता देता हूँ, देन विल गो इनसाइड। सो लेट्स गो। तो हम लोग अभी विल गो टू सांगली फर्स्ट स्ट्रेट। जैसा कि उस दिन मैंने सांगली वाले वीडियो में बताया था, यू गेट बर्गर प्लेसेस, पिज़्ज़ा प्लेसेस, KFC, पिज़्ज़ा हट राइट हियर ऑन द लेफ्ट। और ये है वो, अरे मैं नाम फिर से भूल दिया, चौक का नाम मैं हमेशा भूल जाता हूँ। अगेन हम लोग को रोड्स तो हमेशा याद रहते हैं लेकिन ये सब स्क्वायर्स के नाम हमको याद नहीं रहते। तो हम लोग को यू टर्न लेना है, इसलिए मैं राइट का सिग्नल लगा के, ओ भाई राइट का सिग्नल लगा के पहले ये साइड आ जाता हूँ। तो यू विल गेट गुड अमाउंट ऑफ ऑप्शंस फॉर ईटिंग। और अगर आपको थोड़ा सा एक कॉन्टिनेंटल फूड टाइप अच्छे रेस्टोरेंट जाना है तो यहाँ पे कोने में एक बिल्डिंग है राइट में, पीली कलर की दिख रही है, ऑरेंज सिनेमाज ऊपर दिखा है। अभी ये गोबरों में नहीं दिखेगा लेकिन मैं, ये देखो येलो वाला, तो रूफटॉप पे क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट एंड विथ गुड म्यूज़िक ऑल्सो बार आपको मिलेगा। ठीक है, और ठीक है मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। देखो ये यहाँ पे ऊपर एक छोटा सा मल्टीप्लेक्स है ऊपर एंड क्या बोलते हैं रेस्टोरेंट्स भी है। यहाँ से अंदर घुसूँगा तो लेफ्ट साइड में वहाँ पे डोमिनोज भी है एंड यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ ऑप्शंस फॉर ईटिंग। ओके ठीक है, और फिर यहाँ से हम लोग यू टर्न मार के स्ट्रेट जाते हैं तो वी हैव मोस्टली ये कमर्शियल प्लेसेस हैं, तो खाने के ऑप्शंस मोस्टली रेस्टोरेंट्स वगैरह ये सब ज़्यादा मिलेगा आपको। एंड लेफ्ट साइड में जिम है, अगेन यू नो मल्टी ब्रांड स्टोर फॉर क्लोदिंग दिस एंड दैट, LPG पेट्रोल पंप अगर आप रिक्शा लेके आ रहे हो डॉक्टर्स जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पे घूमने आते ही हैं। तो ये रहा लेफ्ट साइड में सुसुड़ी और यहाँ पे अंदर एक कैफ़े है। ओ तो अंदर घुसेंगे तो अंदर भी एक कैफ़े है, तो हैंग आउट करने के लिए अच्छे खासे स्पॉट्स हैं। इनकेस आप सोच रहे हो कि यार यू नो इट्स अ स्मॉल टाउन, देर आर नॉट गोइंग टू बी मच मोर थिंग्स टू यू नो एक्सप्लोर, तो ऐसे नहीं है, है अभी अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है सब कुछ। ठीक है, एंड अभी जय माता दी जो वो देख लेंगे। ओके घुस गए भाई, किसी ने रुका नहीं। ये रहा लेफ्ट साइड में हॉस्पिटल। ओके तो आप पंक्चर हो गए, आपको कुछ हो गया तो हॉस्पिटल बगल में ही है, फिकर नहीं करने का। और सीधा इफ़ यू गो इनसाइड यू हैव मेडिकल कॉलेज इनसाइड, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कॉलेज ऑफ डेंटल कॉलेज एंड हॉस्टल्स। सो वाह वाह वाह,
अंदर से काफ़ी खूबसूरत है। ये रहा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, सेंट्रल लाइब्रेरी, मतलब ये सेंट्रल लाइब्रेरी है, ये कॉलेज नहीं है। ऑन एंड आई बिलीव कि कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ओके ये रहा कॉलेज ऑफ नर्सिंग का बिल्डिंग। एंड इफ यू गो स्ट्रेट अगेन आई सी डेंटल कॉलेज का बोर्ड एंड हॉस्टल्स। अब बोल रहे ये तो पढ़ के बोल रहे, अरे यहाँ यार मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, अंदर आना चाहता होता नहीं तो मतलब क्या बनता है। बाहर से आने वाले लोगों को एक आइडिया दे रहे हो कि अंदर से कैंपस दिखता कैसा। ओके तो आई बिलीव वो लेफ्ट साइड में डेंटल कॉलेज का था, ये साइड में हॉस्टल्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं यार। आई डिडंट एक्सपेक्टेड टू बी दैट गुड। अनफॉर्चुनेटली हमारे एक रिलेटिव एडमिट हुए थे यहाँ से, तब सिर्फ हॉस्पिटल जाना आना होता था मेरा, लेकिन अंदर ऐसे कॉलेज में तो आना जाना हुआ नहीं। मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, वेरी ब्यूटीफुल कैंपस यार, वेरी ब्यूटीफुल कैंपस आई मस्ट से। मैं सोच रहा हूँ इनसे पूछूँ कि हॉस्टल्स अंदर है कि नहीं, लेकिन पूछूँगा तो उनको मालूम पड़ जाएगा। अगेन कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन फिर भी यार है ना, आई डोंट नो। तो ये घूम के मैं कहाँ जा रहा हूँ यार। ओके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ऑलराइट। ये तो अच्छा कैंपस है यार, काफ़ी ज़्यादा सुंदर कैंपस है। जो इसके साइड में वसंत दादा वसंत राव मेडिकल रिसर्च वाला सेंटर, वो एफिलिएटेड टू शिवाजी यूनिवर्सिटी एंड क्या बोलते हैं, दिस इज़ नॉट अंडर गवर्नमेंट का, यू नो नॉट एफिलिएटेड टू गवर्नमेंट डायरेक्टली आई गेस। वो फिर भी मैं एक लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कॉलेजेस के, आप जाके देख लेना। अगेन दिस वॉज फॉर जस्ट टू गिव यू व्यू फ्रॉम इनसाइड। ओके अभी बोलेंगे यार इसने तो कुछ नहीं दिखाया, हॉस्टल नहीं दिखाई है, वो मैं कैसे दिखाऊँ यार, कम ऑन, आई कैनॉट जस्ट गो इन साइड डायरेक्टली राइट। अभी तो इधर तो एक तो अंदर घुस के वही बड़ी बात है। ऑलराइट चलो ये निकल गए हम लोग बाहर, और हम लोग अभी लेंगे लेफ्ट तो वी गो टूवर्ड्स मिरज, राइट दिस इज मिरज सांगली रोड। तो मिरज टूवर्ड्स मिरज हम लोग अभी जाएंगे, और ये रहा एक मेडिकल रिसर्च फैसिलिटी वसंत दादा पाटिल मैनेजमेंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज रिसर्च सांगली एफिलेटेड टू शिवाजी यूनिवर्सिटी। ओके तो हम लोग अभी क्या करते हैं नीचे जाते हैं, तो मैं डायरेक्टली मिलता हूँ थोड़ा मिरज के थोड़ा सा पहले। ओके ऑलराइट नाउ दैट वी आर नियर बाय मिरज, ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है। तो मैंने जैसे कि बोला था ये मोस्टली मेडिकल सर्विसेज के लिए बहुत अच्छा है, तो ये पूरा राइट साइड में जो एरिया आएगा ना, इट्स ऑल मोस्टली डॉक्टर्स से भरा हुआ है। आई मीन ऑर्थोपेडिशियंस, होम्योपैथिक, डेंटिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, न्यूरोसर्जन, पैथोलॉजी लैब्स। ओह माय गॉड, मतलब मैं गिन नहीं पाऊंगा, क्योंकि मतलब मैं गिन नहीं पाऊंगा इतने ज़्यादा यू नो मेडिकल सर्विसेज अवेलेबल हैं। ये यहाँ से राइट लेते तो मेरे स्टेशन की तरफ भी जाते, लेकिन मैं बाद में दिखाऊँगा स्टेशन। इसको बोलते हैं वंटमुरे कॉर्नर, ठीक है। ये सब मैं आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ जो लोग बाहर से आ रहे हैं, इसको बोलते हैं वंटमुरे कॉर्नर। मोस्टली यहाँ से बस लोग पकड़ते हैं ये सब। एंड थोड़ा सा आगे जाके लेफ्ट में अगर मैं देखूं तो ये रोड अंदर घुसेंगे तो यहाँ पे भी हॉस्पिटल्स प्लास्टिक सर्जरी ये और वो। आगे जो स्क्वायर आ रहा है उसका वो ये सब यहाँ से मेन मिरज स्टार्ट होता है, ऐसा कंसिडर करो। यहाँ से जो ये जो स्क्वायर आ रहा है इसको बोलते हैं मिशन हॉस्पिटल चौक। ओके एक्चुअली मिशन हॉस्पिटल एक काइंड ऑफ एक बड़ा रेफरेंस पॉइंट है टू गो टू स्टैंड, टू गो टू पंडरपुर रोड, टू गो टू इनसाइड एंड दिस एंड दैट। तो वनलेस वॉडी करके एक्चुअली एक हॉस्पिटल का मेन हॉस्पिटल का नाम है, लेकिन उसको मिशन हॉस्पिटल ही सब बोलते हैं। तो ये रहा वो स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे ऐसा घूम के आएंगे, लेकिन मैं आपको दिखा दूँ लेफ्ट, पहले लेफ्ट लेते हैं हम लोग। वी आर गोइंग टूवर्ड्स GMC कॉलेज ऑफ वही अपना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ओके तो राइट साइड में यू हैव दिस वनलेस बॉडी मिशन हॉस्पिटल। ओके एक्चुअली पहले किसी ने बनाया हुआ है GMC कॉलेज का वीडियोस, वो बंदे का भी वीडियो में लिंक कर दूंगा। लेफ्ट साइड में यू हैव प्रोग्रेसिव ग्राउंड बोलते हैं इसको, अभी प्रोग्रेसिव कैमरन स्कूल का ग्राउंड है ये, राइट। तो सैटरडे संडे तो यार लोग ऐसा ही खेलने कूदने ये सब। ओके तो हम लोग जिस रोड पे उसको मिरज पंडरपुर रोड बोलते हैं, या मिरज कवटेमंगा रोड भी बोलते हैं। अभी मैप्स में पता नहीं क्या दिखा था, हम लोग तो पंडरपुर रोड बोलते हैं।
तो अगेन देखो ये राइट भी एक याद रखना तुम, क्योंकि राइट में तुम जाओगे तुमको बाद में मैं बताऊंगा भाउराव चौक करके आता है, तो उसमें खाने पीने के स्पॉट्स तुमको मिलेंगे। दिस इज आवर फर्स्ट एंट्रेंस, घुसोगे अंदर। सॉरी फॉर द कॉफ। ओके, एज यू कैन सी दिस इज द गवर्नमेंट, ओके दिस इज द गवर्नमेंट हॉस्पिटल फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, ये कॉलेज नहीं है, दिस इज अ हॉस्पिटल। तो ऐसा अंदर घुस के विल गो राइट, अगेन दिस इज गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, ये सब गवर्नमेंट है, तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी था इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा था वो। सिविल हॉस्पिटल राइट, सो दिस इज मिरज सिविल, ऐसा ही बोल दो। अंतर रुग्ण विभाग आई पी डी आर, ये कहाँ कॉलेज कहाँ गया भाई। तो मोस्टली दो बॉयज हॉस्टल्स अंदर ही हैं और कॉलेज भी यहाँ पे अंदर ही है। गर्ल्स हॉस्टल्स वो रास्ते के उस साइड है, ठीक है। तो ओके, लेफ्ट 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 लेफ्ट। देखो यार ये शायद तुम्हारा कॉलेज वाला एरिया है, हाँ यही कॉलेज वाला एरिया है। यहाँ पे कैंटीन वैंटीन सब। देखो यार अभी हॉस्टल ये देखो बॉयज़ हॉस्टल नंबर 4, दिस इज अरे रे दिस इज बॉयज़ हॉस्टल। तो यार देखो मतलब मैं कुछ बुरा भला नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आपका बजट अच्छा है तो यू कैन स्टे आउटसाइड ऑल्सो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगेन ये ऐसा घूम के आता हूँ तो और एक 3 गेट है एक्चुअली एंट्रेंस के लिए, बॉयज़ हॉस्टल्स के लिए अलग अलग। तो मैं आपको अंदर से कैंपस दिखा रहा हूँ। अगेन मुझे कौन सी बिल्डिंग एग्जैक्टली क्या है ये नहीं पता, क्योंकि यू नो अगेन जाना ना आता होता ही नहीं ऑलमोस्ट ना के बराबर, लेकिन जितना घुस के बता सकता हूँ उतना मैं बता रहा हूँ। तो ये एक एग्ज़िट आ गया यहाँ, इस एग्ज़िट से मैं एक काम करता हूँ एग्ज़िट ही ले लेता हूँ, ठीक है। ये बॉयज़ हॉस्टल के मे बी एंट्रेंस है 1, 2 एंड 3। ओके 1, 2 एंड 3 और रेसिडेंशियल कैंपस ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिरज। तो यहाँ से स्ट्रेट अगर राइट में घुसता हूँ मैं तो प्रॉबली क्या बोलते हैं अपना गर्ल्स हॉस्टल और ये सब अंदर है ये साइड। तो मैं क्या करता हूँ लेफ्ट साइड में और एक गेट है अपना एंट्रेंस का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिरज और एक एंट्री, ठीक है। 3 ऑलमोस्ट 3 गेट्स हैं एंट्री के लिए। तो अगेन वो बंदे का वीडियो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको क्लियरली समझ में आएगा कौन सा बिल्डिंग क्या है। मैं बस अंदर एंट्री और एग्जिट आपको दिखाया और रेफरेंस पॉइंट मैंने आपको दिखाया। मैं आगे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आगे मिरज पंडरपुर रोड है, राइट साइड में और एक आर्ट्स कॉमर्स साइंस वाला एक कॉलेज है, तो वो दिखाने का मेरा कोई पर्पज़ ऐसा है नहीं। ये भी एक एंट्रेंस है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ घुमाता हूँ गाड़ी और आई विल शो यू द हैंग आउट स्पॉट्स एंड खाने पीने का स्पॉट्स। ओके ओके, यू टर्न मार के सीधे आ गया, मतलब यू टर्न सीधे आ गया मतलब वही वो साइड, अभी वो साइड से आ रहे थे ये साइड वापस जा रहा है। तो यहाँ से स्ट्रेट लेता हूँ तो आई एंटर इन भाउराव चौक। ओके, तो भाउराव चौक इज़ अच्छा गुड हैंग आउट स्पॉट खाने पीने के लिए। अगेन रेसिडेंशियल कैंपस, तो मोस्टली यू विल एक तो आप देखो टपरियों पे ये सब टाइम पास कर सकते हो खाने पीने का, अदरवाइज यू कैन गो स्ट्रेट एंड एन्जॉय बर्गर पिज़्ज़ा दाबेली पानीपुरी शेवपुरी ये पूरी वो पूरी ये सब तुम यू कैन एन्जॉय। तो मैं क्या करता हूँ पहले वहाँ पे जाता हूँ एंड वहाँ से सीधे मैं थोड़ा सा मिरज की तरफ अभी लेता हूँ, क्योंकि मेडिकल कॉलेज ग्राउंड और एक है वहाँ पे अंदर है। तो आई डोंट थिंक यार वो सब आप देखो एडमिशन्स लोगे तो ये सब चीज़ें देखोगे ही, मैं आपको सिर्फ रोड्स दिखाता हूँ आसपास क्या है, ठीक है। मोस्टली वो लोगों को नहीं मालूम पड़ता। तो अगर आपको प्राइवेटली कहीं पे रहना है तो मोस्टली मैंने देखा है कि मेडिकल स्टूडेंट्स ये बिल्डिंग्स में रेंट पे रहते हैं फ्लैट्स में वगैरह, तो इनके खुद से आपको रहना है अलग से तो यू कैन कम हियर इंक्वायरी कर लो देख लो। तो अगेन देखो मैं अगर यहाँ पे रुकता हूँ तो रात में, अभी तो कुछ है नहीं संडे है, तो रात में यहाँ पे पूरा खाने का मेला लगता है, फुल टाइम पास हो जाएगा और खाने पीने के सारे ऑप्शन तुमको मिल जाएंगे। यहाँ पे पीछे चाइनीज स्पॉट्स भी है एंड वो बिल्डिंग में आप एक बारी पूछ लेना कि रेंटेड फ्लैट्स और ये सब आपको वो साइड में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा भाउराव चौक और मैं क्या करता हूँ यहाँ से सीधे जाता हूँ एंड आई विल कंटिन्यू माई मिरज का टूर। ओके, छोटा सा ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए है नहीं, लेकिन जितना भी है मैं दिखाता हूँ
ताकि आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि अंदर है क्या। ओके देखो देख सकते हो ये सब अभी अभी ये सब नया नया सब खुला है, खाने के प्लेसेस, स्वीट शॉप्स, बेकरीज, दिस एंड दैट, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब खाने के मामले में अच्छे अच्छे स्पॉट्स आ रहे हैं यहाँ पे। तो स्टिल अंडर डेवलपमेंट, इट्स अ स्मॉल टाउन, या न्यू इंग्लिश मीडियम स्कूल अभी। और एक याद रखना, यहाँ पे क्या बोलते हैं, जोमैटोज अवेलेबल है, तो इन केस इफ़ यू वांट टू गेट द फूड डिलीवर्ड, वो ऑप्शंस है, फिक्र मत करो। ओला उबर ये सब नहीं है। गुड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वुड बी गेटिंग योर ओन स्कूटी और ऑटो। एंड अगर स्ट्रेट जाते हैं तो आपको शिवाजी का पुतला दिख रहा है, वो है शिवाजी चौक। तो यहाँ पे सर्कल कोई फॉलो नहीं करता, तो सरप्राइज मत होना कि आप, मैं भी लेफ्ट जा रहा हूँ और वो भी लेफ्ट से ही आ रहा है। डोंट गेट सरप्राइज बिकॉज दैट इज़ हाउ इट इज़। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसा सर्कल लेता हूँ, वापस मिशन चौक पे जाता हूँ और दूसरे साइड से एंट्री लेता हूँ, ठीक है। ये रहा खूबसूरत पुतला जो कि शायद अभी अभी बना है रिसेंटली, बहुत रात में तो बहुत मज़ा आता देखने में यार, सही लगता एकदम। इफ़ यू गो स्ट्रेट, यहाँ पे सब गैराज लाइन है, ठीक है। ऑटोमोबाइल का बहुत ज़्यादा आपको कुछ सर्विसिंग वर्विसिंग ये वो सब कराना होगा, तो यहाँ पे राइट साइड में तुमको ऑप्शंस मिल जाएगा, कुरियर ऑप्शन लेफ्ट साइड में, मेडिकल सब ऑप्शंस खरीदने हैं। मेडिकल देखो, मेडिकल रिलेटेड कोई भी सर्विस है ना तुमको फट से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आ गया गांधी जी का पुतला, और अगर यहाँ से वो मिशन चौक से मैं लेता हूँ लेफ्ट, तो वी गो टू क्या बोलते हैं, मेरा स्टैंड रोड, इसको स्टैंड रोड ही शायद बोलते हैं, याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, लेकिन इस लाइन में हम लोग घुसते हैं तो आपको ये क्या बोलते हैं, मोबाइल शॉप, दिस एंड दैट, अच्छे रेस्टोरेंट्स, नॉन वेज रेस्टोरेंट्स, वेज रेस्टोरेंट्स, बेकरीज, ऑटोमोबाइल का कुछ लेना हो तो एक्सेसरीज, ये सब मिल जाएगा। रोड कंडीशंस आर वर्स्ट, मतलब आप देख ही सकते हो घटिया किस्म के रोड हैं वो यार। अभी क्या, अभी स्मॉल टाउन, वो रोड बनाते ही ऐसा कि अगले साल बिगड़ जाए और उनको फिर से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। दिस इज़ हाउ इट इज़, दिस इज़ अ गुड रेस्टोरेंट, नॉन वेज रहमतवा चिकन, अगर आपको बनाना है खुद से, ओके। तो यू कैन गेट द चिकन डिलीवर्ड ऑल्सो, यहाँ पे वो सर्विस भी आ चुकी है फ्रॉम आई गेस फ्रेश टू होम से मैंने मंगाए थे एक बारी। एंड देख सकते यार रोड कंडीशंस बहुत ज़्यादा घटिया हैं यार, एक्चुअली बहुत ज़्यादा। देखो सोचने जाऊँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाने, मतलब दिखाने लायक, मतलब ऐसे रोड वाइज बताने जाऊँ, एक एक गली बताने जाऊँ तो, लेकिन मैं तुमको क्या दिखाता हूँ, मेरा स्टैंड बताता हूँ, स्टेशन रोड दिखाता हूँ, स्टेशन दिखा भी दूँ शायद अंदर से तो यू विल गेट टू नो। हमारा स्टेशन नहीं है, हमारा जंक्शन है भाई, तीन पटरी हमारे पास, तीन पटरी क्या। तो कहीं से भी आ रहे हो तुम, बेंगलोर से, कोल्हापुर से, गोवा से, हमारे यहाँ से, ओके जाना है समझे। Not that I'm very proud of it, but ए भाई ए। तो अगेन वही है यार, यहाँ पर हॉस्पिटल, ऑटोमोबाइल, रेस्टोरेंट, ये सब का मिक्सचर भरा हुआ है ये रोड पे। ये बोलते हैं इसको हीरा होटल चौक, और देख सकते हो रोड एक साइड में ऐसे वैसे का वैसा ही है, एक साइड से ऊपर, एक साइड से नीचे। यहाँ से अगर मैं स्ट्रेट जाता हूँ ना तो अम्बेडकर चौक आता है, वहाँ पर अम्बेडकर गार्डन है जो कि यू कैन कंसिडर एज अ रेफरेंस पॉइंट अगर इफ यू आर ट्रैवलिंग समवेयर। राइट साइड में शिवाजी स्टेडियम है, वही ग्राउंड है, बहुत बड़ा सा ग्राउंड है। रोड कंडीशंस वर्स्ट एंड वर्स्ट। तो राइट साइड में आप जाते हो ना तो फिर से एक हॉस्पिटल लाइन, और फिर से वो राइट साइड में स्टेशन, मेरे स्टेशन के लिए यू कैन यू नो गो। ये दिस इज बेसिकली मेरा स्टैंड रोड। तो राइट साइड में सिटी बस स्टैंड है, ये तड़का दिख रहा है, ये तड़का के पीछे जो है बसेस अगर आपको दिखाई दे रही है कैमरे के अंदर से, तो ये सिटी बस स्टैंड है। एंड जो मेन बस स्टैंड है, जो ऐसा मतलब दूर दूर ट्रैवल करता है, जहाँ से आप पुणे वुने जा सकते हो, मुंबई वगैरह जा सकते हो, कोल्हापुर सोलापुर कोल्हापुर ऐसे जा सकते हो, तो वो आगे है। ये स्क्वायर का नाम याद, अभी जज मत कर रहा, हमको स्क्वायर का नाम नहीं याद रहते यार ज़्यादा सा, और रोड सब मालूम है। तो यहाँ से लेफ्ट यू एंटर अगेन मेन मिरज मार्केट के लिए, स्ट्रेट जाता हूँ तो
ये रहा मेरा स्टैंड. तो बेसिकली फॉर द पुणे और एनी सिटी ट्रैवल, लोकल ट्रैवल, यू कैन गेट द बसेस फ्रॉम हियर.